पहला सैमुएल 28वां बाब। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने अपनी फौजें जंग के लिए जमा की ताकि इसराइल से लड़ें, और एकस ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान के तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। दाऊद ने एकस से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादिम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। एकस ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सिर का निगहबान ठहराऊंगा। और सैमुएल मर चुका था और सब इसराइलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसोन गरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शौनीम में डेरे डाले, और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया, और वो जलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों और ना ओरेम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और दो आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा, जरा मेरी खातिर जिनके जरिया से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से काट डाला है, पस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो सैमुएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। सैमुएल ने कहा, पस तू मुझसे किस लिए पूछता है? जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है, और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी
اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا، ماں سوائے اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا، اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے، سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن، اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بجد ہوئے، تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا اور آٹا لے کر گوندھا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں، اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔